हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी शेल कंटिन्यू द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स. दिस इज पार्ट 15. इन दिस वीडियो लेशन वी सेल लर्न हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मोर देन वन वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. ये हम कुछ सबसे पहले इससे रिलेटेड हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट वेदर सॉल्यूशन इज यूनिक और मोर सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जब भी यदि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कह देते हैं कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट और इनकन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किसे कहेंगे अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट इफ सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट यदि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकन्सिस्टेंट तो नॉर्मली होता यह है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का या तो यूनिक सोल्यूशन होता है यदि यूनिक सोल्यूशन होता है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और यदि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है नो सोल्यूशन इज देयर देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेट टू बी इनकन्सिस्टेंट

ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास है तो इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देर आर थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स एंड ऑल द थ्री इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस देन हाउ कैन वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तो मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं सबसे पहले ये जो तीन इक्वेशंस लिखी हुई है यहाँ ये तीन इक्वेशन है इक्वेशन वन इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री तो हम पहले तो मैट्रिक्स की मदद से इन तीन इक्वेशंस को हम एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं देखिए किस तरह जैसे मान लीजिए मैं जो एक्स के जो कॉफिशियंट्स है तीनों इक्वेशंस में वो यहाँ लिख देता हूँ और एक कॉलम बना लेता हूँ ए वन ए टू ए थ्री सिमिलरली जो वाई के जो कॉफिशियंट है बी वन बी टू बी थ्री और इसी तरह जो Z से जो जेड के कॉफिशेंट्स है वो हो गए सी वन सी टू सी थ्री तो इससे हमने एक यहां पर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया है और ये जो एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल है इससे हम एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं एक्स वाई जेड और इधर जो है हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स है इनसे भी हम एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं डी वन डी टू डी थ्री अब यहां पर हम अगर ध्यान से देखें और ये जो दो मैट्रिक्स है यहाँ पर एक तो मैट्रिक्स हो गई ये जो थ्री बाई थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है एक कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड जिसके एलिमेंट्स है यदि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा इसमें हमें ए वन मल्टीप्लाइड विद एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड ये इसकी एंट्री हो जाएगी जब मल्टीप्लाई करने के बाद और ये डेफिनेटली इक्वल टू डी वन क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स मस्ट बी सेम सो पहले इक्वेशंस हमें मिल जाएगी सिमिलरली ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड ये यह सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा जब प्रोडक्ट करेंगे और इधर भी जो सेकेंड एलिमेंट है वो डी टू है तो वो इसके इक्वल हो रहा है सिमिलरली थर्ड इक्वेशंस यहाँ से फ्रेम हो रही है थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशंस है ये मैट्रिक्स इक्वेशन वास्तव में इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ रिप्रेजेंट करती है तो वी कैन रिप्रेजेंट द थ्री इक्वेशंस और सपोज देर आर मोर देन थ्री इक्वेशंस तो हम उनको एक मैट्रिक्स इक्वेशंस से सभी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनको एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब इसमें यदि मान लीजिए हम क्या करते हैं कि ये जो थ्री बाई थ्री ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको मैं कैपिटल ए नाम दे देता हूँ तो कैपिटल ए इसको दे दिया और इसको मैं कैपिटल एक्स नाम दे देता हूँ और इधर जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है जो कॉन्स्टेंट डी वन डी टू डी थ्री से फ्रेम हो रहा है तो उसको मैं लेटर सपोज मैट्रिक्स बी नाम दे देता हूँ तो ए एक्स इज इक्वल टू बी यानी ये जो तीन इक्वेशन है ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन कैपिटल ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी ए एक्स इज इक्वल टू बी इस मैट्रिक्स इक्वेशन से ये शो हो रही है जहां पर जो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री और सिमिलरली कैपिटल एक्स जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया और कैपिटल बी जो है वो डी वन डी टू डी थ्री एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया तो इस तरह से जो एक मैट्रिक्स इक्वेशन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया अब हमारा जो पर्पज है वो मेनली हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है और इनडायरेक्टली ये देखा जाए तो हमें कैपिटल एक्स फाइंड आउट करना है यदि ये मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाता है तो इसकी जितनी भी एंट्री है वो हमें एक तरह से पता लग गई तो हमारा पर्पज होगा कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जैसे ही कैपिटल एक्स की वैल्यू हमें मालूम हो जाती है तो कैपिटल एक्स की जितनी भी एंट्रीज है इसके अंदर जैसे एक्स वाई जेड तो ये भी हमें एक तरह से पता लग जाएगी तो हमारा अब पर्पज़ है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी को एक्स के लिए सोल्व करना यानी ये जो मैट्रिक्स एक्स है वो हमें फाइंड आउट करना है तो चलिए ए एक्स इज इक्वल टू बी को हम सोल्व करते हैं तो अब हम शुरू करते हैं देखिए जैसे मान लीजिए ये ए एक्स इज इक्वल टू बी है और इसको मुझे सोल्व करके किसी तरह से कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हमारा परपज है हमारा पर्पज़ है कैपिटल एक्स कितना है क्योंकि कैपिटल एक्स हमें पता लगते ही कैपिटल एक्स वास्तव में ये तीन एंट्री से मिलकर बना है तो यदि हमें कैपिटल एक्स मालूम हो जाता है तो एक तरह से इंडायरेक्टली हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड इन तीनों की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम ए एक्स इज इक्वल टू बी को हम सोल्व करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट जो होता है इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि प्री मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन विद एडजॉइंट ऑफ ए जो हम हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं तो एडजॉइंट ए से मैं इसको प्री मल्टीप्लाई किया है और ध्यान रखिए यहां पर हम इसको प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट जनरली कंपिटेटिव सो यहाँ जब हमें प्री मल्टीप्लाइंग विद एडजॉइंट ए कर रहे हैं तो हमें एडजॉइंट ए को लेफ्ट में ही रखना है तो एडजॉइंट ए को जब लेफ्ट में यहाँ रखा तो यहाँ भी लेफ्ट में रखा है तो एडजॉइंट ए टाइम्स बी है हमारे पास अब एडजॉइंट ए इंटू जो ए है एडजॉइंट ए इंटू ए दिस इज इक्वल टू डेफिनेटली डिटर्मिनेट ऑफ ए टाइम्स आई तो यहां हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई एक्स इज इक्वल टू ये हो गया एट ऑफ ए टाइम्स बी और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई एक्स विल बी इक्वल टू अगेन एक्स तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एट ऑफ ए टाइम्स बी यहां तक रिजल्ट आ गया अब इसके बाद का जो स्टेप है यदि हमें कैपिटल एक्स फाइंड आउट करना है तो हमें डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए क्या है एक रियल नंबर है क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है विच इज़ एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स ए और वो देखा जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए है विच इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए तो ये एक रियल नंबर है और ये रियल नंबर जो है इसको हम यहाँ से यदि हम राइट right साइड में लाना चाहते हैं तो ये डिवाइड में जाएगा और हम इसको डिवाइड में तभी ले पाएंगे जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो तो यहां के बाद हम केस बनाएंगे तो इस इक्वेशन को हम एक बार फिर से नेक्स्ट उसमें लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट है डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स एक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एट ऑफ ए टाइम्स बी अब यहां पर हमारे पास केस आ रहा है कि सपोज केस वन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो व्हाट डज इट मीन इट मीनस ए इज नॉन सिंगुलर ए इज नॉन सिंगुलर यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है यानी उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस है इसमें हम इसको कैपिटल ए डिटर्मिनेंट इससे डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट आ जाएगा एट जॉइंट ऑफ ए बी और हमें पता है एड जोइंट ए डिवाइड बाई मेट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ए इनवर्स होता है तो ये ए इनवर्स बी हो जाएगा तो कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी तो यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है इसका मतलब इस तरह से हम जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करने में सक्षम हो जाएंगे और ये इस बात का इंडिकेशन है कि इस कंडीशंस में यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा क्योंकि जैसे ही हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू पता लगती है इसका मतलब हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो वेन एवर डिटर्मिनेट ऑफ ए इज नॉन जीरो देन सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी जिसमें हम ए इनवर्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और ए की वैल्यू क्या है वो हमें पता है ए की वैल्यू है ए वन ए टू ए थ्री ये तो एक्स के कॉफिशियंट थे और बी वन बी टू बी थ्री ये वाई के कॉफिशियंट थे सी वन सी टू सी थ्री ये जेड के कॉफिशियंट थे तो इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम पहले एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लेंगे एडजट ए को जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे एडजोइ ए डिवाइडेड बाय डिटेमेंट ऑफ ए तो हमें ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा और ए इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और कैपिटल बी क्या था कैपिटल बी जो इधर कॉन्स्टेंट टर्म थी वो थी डी वन डी टू डी थ्री तो इस तरह से ये भी वैल्यू हमें पता होती है फिर ए इनवर्स को हम बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से कैपिटल एक्स हमें मालूम हो जाएगा और कैपिटल एक्स की वैल्यू हमें पता लगते ही एक तरह से कैपिटल एक्स में इनबिल्ट है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इस तरह से जो है इस पर्टिकुलर केस में वैन ए इज़ नॉन सिंगुलर दिस मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर तो उस वाले केस में जो है हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा इस कैपिटल ए और बी को हम वापस वेरीफाई कर लेते हैं कैपिटल ए देखिए कैपिटल ए ये था और कैपिटल बी जो था वो हमारे पास ये था d1 d2 d3 से जो फ्रेम हो रहा है तो ये हमने यहाँ ये लिखा है तो ये तो हो गया पहला केस अब दूसरा केस लेते हैं जब डिटेमेंट ऑफ ए जीरो हो उस समय क्या संभावना हो सकती है तो उस समय हम जो है इसको लिखते हैं केस सेकंड जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो हो उस समय क्या संभावना है अब यहां पर हमारे पास दो संभावनाएं बनती है पहली संभावना तो बनती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू जीरो और राइट हैंड साइड की संभावना हम देखते हैं कि यहाँ के बाद केस के बाद एक सब केस और बन रहे हैं कि सपोज हो सकता है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है और ये जो बी है इसको मल्टीप्लाई किया हमने और सपोज दिस इज एन दिस इज अ नल मैट्रिक्स लेट अस सपोज दिस इज अ नल मैट्रिक्स या सोचो ये इज नॉट नल मैट्रिक्स पहले ये ले लेते हैं तो एडजॉइंट ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन है ये दोनों दो मैट्रिक्स दो है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सपोज नॉट नल और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जीरो हो गया क्योंकि डिटेमेंट ऑफ ए जीरो है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू जीरो राइट हैंड साइड जो है वो नॉट नल और इधर नल है इधर नल नहीं है तो ये एक एक तरह से फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है तो इस वाली कंडीशंस में क्या होगा इस वाली कंडीशंस में नो no सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन और अगर सोल्यूशन नहीं है तो डेफिनेटली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकन्सिस्टेंट तो ऐसी स्थिति में वो चूंकि नो सोल्यूशन है तो जो सिस्टम है वो कैसा है इनकन्सिस्टेंट सिस्टम है नो सोल्यूशन मीन्स इनकन्सिस्टेंट सिस्टम यूनिक सोल्यूशन था तो यहां पर कंसिस्टेंट यह है क्योंकि जब भी सोल्यूशन वन और मोर सोल्यूशंस होते हैं तो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं तो यहां पर ये यूनिक सोल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट है अब यहाँ दूसरी संभावना ये भी बनती है इस वाले केस में कि एडज्वाइंट ऑफ ए जो है और जो बी इनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ये एक नल मैट्रिक्स आ जाए तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगी ये नल नल इज इक्वल टू नल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो डिटर्मिनेट ऑफ ए जीरो होने की वजह से ये पूरा ज़ीरो हो रहा है और राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल एट जोट ए टाइम्स बी है वो भी ज़ीरो हो रहा है ये इस बात का इंडिकेशन है कि इस वाली केस में ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है अब क्या संभावना हो सकती है कि ऐसी स्थिति में सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो इसमें हम बोलेंगे कि सोल्यूशन में एग्जिस्ट और नॉट समटाइम्स इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर और समटाइम्स जो है सोल्यूशन होगा ही नहीं तो इसमें जो है वो कंसिस्टेंट भी हो सकती है इक्वेशंस या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है तो इसमें जो एडजॉइंट ए टाइम्स बी है इसकी वैल्यू अगर नल मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो सो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड हो जाएगी और ये जो संभावना होती है इस समय जो है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है दे आर सेट टू बी कंसिस्टेंट तो इस वाले केस में क्या होता है कि वो कंसिस्टेंट होती है लेकिन जो सोल्यूशंस है वो यूनिक नहीं होगा यूनिक सोल्यूशन तो तब तो तो होता है जब डिटर्मिनेट ऑफ ए नॉन ज़ीरो हो यदि डिटर्मिनेट ऑफ ए ज़ीरो है तो एक संभावना यहाँ होती है नो no सोल्यूशन की और एक यहाँ भी संभावना हो सकती है कि नो no सोल्यूशन हो या फिर क्या हो या फिर यहाँ पर इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं तो जब भी इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा तब भी क्या होता है कि एडज्वाइंट ए टाइम्स बी जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू भी जीरो हो जाती है यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू जीरो में या तो इन्फानेटिव मेनी सोल्यूशंस होते हैं या फिर नो no सोल्यूशन होता है तो अब यदि नो no सोल्यूशन है तो इसका मतलब हुआ इनकंसिस्टेंट हो गया और यदि इन्फानेटिव मेनी सोल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट हो गया तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है इस जगह तो सोल्यूशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या तो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी यदि इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन होगा और यदि कंसिस्टेंट हो तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो यह संभावनाएं होती है तो ऐसा नहीं कि इस वाली कंडीशन में केवल कंसिस्टेंट होगा इसमें इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सोल्यूशन और कंसिस्टेंट मीन्स इन्फानेटली मैनी सोल्यूशंस तो ये जो यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन है नॉर्मली एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो यूनिक सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही होता है तो इसमें ये कब होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉन जीरो हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा जब भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दे रखी होगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखी होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जब ये मैट्रिक्स फ्रेम करेंगे और उसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हम कैपिटल ए जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यदि वो नॉन जीरो है तो ऐसी स्थिति में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उस समय फिर कैपिटल एक्स जो है वो ए इनवर्स बी के इक्वल हो जाएगा तो हम इनवर्स की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देंगे इससे कैपिटल एक्स की वैल्यू हमें पता लग जाएगी और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा और यदि कैपिटल ए जीरो तो फिर दो संभावनाएं बनती है कि एट जेंट ए टाइम्स बी नॉन जीरो हो तो ऐसी स्थिति में तो लेफ्ट हैंड साइड कभी राइट हैंड साइड की इक्वल हो ही नहीं पाएगी तो ऐसी स्थिति में नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा लेकिन यदि ये जीरो है तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है और अगर इनकंसिस्टेंट तो नो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन की संभावना बनती है तो ये तो हुआ थ्योरी पार्ट अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस थ्योरी को काम में लेकर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड ये सिंपल सी इक्वेशन है और ये लीनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसको हम क्लास टेंथ में भी हम इस तरह की इक्वेशन सोल्व करी थी लेकिन आज जो है हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे यानी जो मैट्रिक्स मैथड है उसकी एप्लीकेशन हम समझ सकें इसलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया है सबसे पहले हम क्या करेंगे जो दोनों इक्वेशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे उसमें हम करते क्या थे कि जो एक्स के कॉपिशेंट है उनको लिख देते हैं और जो वाई के कॉपिशेंट है उनको भी हम लिख देते हैं तो हमारे पास बन गया टू थ्री फाइव टू सिमिलरली इधर बन गया हमारे पास एक्स और वाई और इधर जो है राइट right साइड में आ रहा है हमारे पास वन और सेवन इस तरह से आ गया तो अब ये ये जो कैपिटल ये कैपिटल का ए का काम करेगा तो कैपिटल ए जो है वो तो हो गया यहाँ पर हमारे पास टू फाइव थ्री टू सिमिलरली इधर जो कैपिटल एक्स है इसको हम बोल देते हैं ये जो एक्स वाई है ये कैपिटल का एक्स का काम कर रहा है और जो बी है वो हो गया हमारे पास वन और सेवन ये टू फाइव थ्री टू कैपिटल एक्स हो गया एक्स वाई और कैपिटल बी हो गया वन सेवन और ये सारी जो वैल्यूज है यदि हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाता है कैपिटल ए एक्स इज इक्वल टू बी अब हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड तो इसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स ए है तो ये हो जाएगा टू फाइव और थ्री और टू तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आती है ये हो गई देखो टू टू जा फोर माइनस फाइव थ्री जै फिफ्टीन यानी ये आ गई माइनस इलेवन तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है माइनस इलेवन आ रहा है विच इज नॉट जीरो और विच इंडिकेट्स दैट ए इज नॉन सिंगुलर सो एनवर्स एग्जिट अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेश है दिस विल हैव यूनिक सोल्यूशंस और सोल्यूशंस क्या हो जाएगा इसको हम प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स भी कर सकते हैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब है बी के लेफ्ट में लिखना है ए इनवर्स को और ए एक्स के लेफ्ट में लिखना है ए इनवर्स को तो ये प्री मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स किया है तो यहाँ ए इनवर्स ए आई हो जाएगा और ये आई इंटू एक्स वापस एक्स हो जाएगा तो एक्स विल भी इक्वल टू ए इनवर्स बी जो हम जानते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी ही होता है देखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी तो अब हमारा फोकस होगा किसी तरह से ए इनवर्स फाइंड आउट करना और ए इनवर्स होता है एडजोइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्नेंट ऑफ ए जो डिटर्नेंट ऑफ ए तो हमें पहले से मालूम है तो हमें एडजोइंट ए चाहिए तो अब हम एडजोइंट ज्वाइंट ए फाइंड आउट करेंगे और ए की वैल्यू हमें ये देखिए टू फाइव थ्री टू तो पहले ए लिख लेते हैं ए हमारे पास है टू फाइव थ्री टू ये ए है अब हम एडज्वाइंट ऑफ ए लिखेंगे सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं ए सही लिखा ने लिखा टू फाइव थ्री टू ठीक है अब एडजॉइंट ए लिखने का जो तरीका होता है टू बाई टू जो जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें बहुत आसान सा तरीका होता है कि यहाँ जो भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं लेकिन इनको इंटरचेंज करने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दोनों ही टू है तो ये टू यहाँ आ गया और ये ये वाला टू तो यहाँ चला गया और ये वाला टू यहाँ आ गया तो टू टू अगेन वही रहे और बाकी जो दो एलिमेंट्स बचे हुए होते हैं ये दोनों बचे हुए हैं तो इनको जो है हम क्या करते हैं कि ये जो दो एलिमेंट बचे हुए हैं थ्री और फाइव इनका केवल और केवल साइन चेंज कर देंगे तो यहां हो जाएगा माइनस फाइव यहां हो जाएगा माइनस थ्री यह बन गया ए तो एडजॉइटे तो हम आसानी से टू बाई टू स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके कोरोस्पॉ एडजॉइंट हम तुरंत लिख पाते हैं तो ये यह ए हो गया अब जो ए इनवर्स है वो होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो तो हमें यहाँ मिल रही है ये वैल्यू तो थी वन अपॉन ये डिटर्मिनेंट ए था माइनस इलेवन और एडजेंट ए जो है वो ये है टू माइनस फाइव टू माइनस फाइव माइनस थ्री टू तो ये हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली अब जो कैपिटल एक्स है कैपिटल एक्स जो है वो हमारे पास है ए इनवर्स बी कैपिटल एक्स हमारे पास ए इनवर्स बी है तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए यूनिवर्स ए यूनिवर्स की वैल्यू यहाँ से माइनस वन अपंट इलेवन और यहाँ ये यह है टू माइनस फाइव माइनस थ्री टू और कैपिटल बी की वैल्यू हम हमें नोट करनी पड़ेगी कैपिटल बी की वैल्यू देखिए कितनी थी वन और सेवन है कैपिटल बी यहाँ पर यह रहा वन और सेवन है तो यहाँ लिख देते हैं इसको वन और सेवन तो ये वन और सेवन यहाँ लिख देते हैं वन और सेवन अब हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो ये जो R1 है इसको हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब R1 को हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन अपॉन एलेवन या हो जाएगा टू इंटू वन टू और माइनस फाइव इंटू सेवन माइनस के थर्टी फाइव तो इस तरह से ये बन गया सिमिलरली ये जो सेकंड देख रहे हैं एंट्री सेकंड एंट्री देख लेते हैं ये जो एंट्री है वो वापस इसी से मल्टीप्लाई होनी है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आर टू सीवन है ये तो माइनस थ्री इंटू वन तो हो गया माइनस थ्री और टू इंटू सेवन हो गया प्लस का फोटीन हो गया और इस तरह से जो है इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं तो कैपिटल एक्स वास्तव में क्या था कैपिटल एक्स हमारे पास एक्स और वाई इनसे ये कॉलम मेट्रिक से मिलकर बना है और यहाँ जो है इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो ये आ रहा है माइनस वन अपॉइंट इलेवन यहाँ हो गया माइनस के थर्टी थ्री और ये हो गया एलेवन हो गया है और अब इस माइनस वन ए इलेवन को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की हर एंट्री से तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और थर्टी थ्री अपॉन्ट एलेवन यानि थ्री हो गया और यहाँ पर जो है हमारे पास आ रहा है माइनस वन अब हम इस मैट्रिक्स को इससे कंपेयर करें तो हम यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू हम पता लगा सकते हैं एक्स की वैल्यू जो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लीजिए तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में इसका मतलब है कि ये जो एक्स है वो इसके इक्वल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के हिसाब से और यहाँ जो ये जो वाई है वो इसके इक्वल हो गया है तो अकॉर्डिंगली हम x विल बी इक्वल टू प्लस थ्री और y विल बी इक्वल टू माइनस वन तो दिस इज द मेथड। दिस इज़ दिस मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। इन दिस मेथड व्हाट वी हैव डन वी हैव फर्स्ट वी हैव रिटर्न गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन और फिर उस मैट्रिक्स इक्वेशन में हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका यदि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उससे हम प्री मल्टीप्लाई करके कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ए इन्वर्स बी और ए इनवर्स और बी की वैल्यू हम यदि सब्सिट्यूट कर देते हैं तो कैपिटल एक्स की वैल्यू पता लग जाती है और कैपिटल एक्स के अंदर ही क्या है जितने भी अननोन वेरिएबल थे एक्स वाई जेड वो इसमें होते हैं तो उसकी वैल्यू हम कॉरस्पोंडिंग एंट्रीज को कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस तरह से जो है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आज हमने इसका थियोरिटिकल पार्ट और एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीखा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो